इसमें मैं बताऊंगा आपको कॉन्टिन्यूस के बारे में, ठीक है? कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव भी डील करूंगा, ठीक है? जैसे अगर मैं बोलूं कि ही इज राइटिंग ए लेटर, ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या देख रहा हूँ कि यहाँ पर एक हेल्पिंग वर्ब आया इज़, और जो वर्ब था राइट उसमें हम लोग, पहले वर्ब था राइट, ठीक है, उसमें हम लोग क्या किए, आई एन जी ऐड कर दिए, ठीक है, और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इज़ लगा दिए, और क्या लगेगा यहाँ पर, आर लगेगा, एम लगेगा, इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वॉज या वेयर, और बाकी जो है आई एन जी लगाएंगे मेन वर्ब में। जैसे ही वॉज राइटिंग ए लेटर, ठीक है, ही वॉज राइटिंग ए, सॉरी, लेटर, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अगर मैं यहाँ पर ये सब्जेक्ट को प्लूरल करूँगा, क्या करूंगा, जैसे मान लिया करूंगा दे, तो क्या होगा, दे आर राइटिंग ए लेटर, ठीक है। मैं प्रैक्टिस कर करके इसलिए लिखा रहा हूँ कि बच्चे पूरा ही इसमें क्लियर हो जाएंगे, ही वॉज राइट, ही आर, दे आर राइटिंग ए लेटर, किसी तरह का कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, दे को लेकर के, दे वेयर राइटिंग ए लेटर, राइटिंग ए लेटर, ठीक है, एकदम पक्का हो जाएगा। टेंस के मामले में जो भी कन्फ्यूज़न है वो पूरा ही पक्का हो जाएगा। अगर मैं इसी दोनों सेंटेंस को अगर मैं नेगेटिव करना चाहूँ, तो देखिए कितना इजी है। कंटिन्यूअस में मैं नेगेटिव करूँगा, क्या करूँगा कि ही इज़ नॉट राइटिंग ए लेटर, ही इज़ नॉट राइटिंग ए लेटर, ठीक है, मैं कुछ भी नहीं किया, केवल यहाँ पर मैं ये नेगेटिव के लिए हम नॉट यूज़ कर दिए हैं, ठीक है, ये नॉट यूज़ कर, सिमिलरली यहाँ भी नॉट यूज़ कर देंगे, ही वॉज नॉट राइटिंग ए लेटर, ठीक है, राइटिंग ए लेटर, है ना। अगर दे रहेगा तो दे आर नॉट राइटिंग ए लेटर, और यहाँ पर दे वे आर नॉट राइटिंग ए लेटर, ठीक है ना। अगर मैं इसको इंट्रोगेटिव करना चाहूँ, है ना, अगर मैं इसका इंट्रोगेटिव करना चाहूँ तो क्या करूँगा, जैसे मैं आपको थोड़ा सा नीचे कर लूँ, क्या बताऊँ, इंट्रोगेटिव मतलब कॉन्टिन्यूअस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है ना, क्वेश्चन वाला। तो ही इज़ राइटिंग ए लेटर में लिखा था, तो यहाँ पर क्या होगा, ये क्या लिखा था, ही इज़ राइटिंग ए लेटर, ही इज़ राइटिंग ए लेटर लिखा था ना, तो यहाँ पर क्या हो गया, इज़ ही राइटिंग ए लेटर, राइटिंग ए लेटर, कुछ भी नहीं किया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ये जो इज है इसको सामने लेके आ गया, इसको पूरा जो इज है इसको सामने कर दिया, बस हो गया, इज ही राइटिंग ए लेटर। सिमिलरली पास्ट में क्या होगा, वॉज, यहाँ लाइन डाल दें, वॉज ही राइटिंग ए लेटर, ठीक है ना। अगर यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो वहाँ पर दे होगा, या अगर सर सब्जेक्ट का दो होगा जैसे पकी एंड विटल तो आर होगा, प्लूरल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया कॉन्टिन्यूअस का सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। इसके बाद हम थोड़ा बताएंगे कि परफेक्ट टेंस होता है एक, वो थोड़ा सा क्लास 3 में थोड़ा सा डील करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं है,
इसलिए अगला वीडियो में मैं उसके बारे में बताऊंगा कि परफेक्ट टेंस क्या होता है। उसके बाद जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें थोड़ा बनाऊंगा कि कैसे कन्वर्सन करेंगे आप एक टेंस से दूसरे टेंस में, यानी प्रेजेंट से पास्ट में या पास्ट से प्रेजेंट में, ठीक है ना।